जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों 45,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती की चर्चाएं चल रही हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि यह न्यूज कैसे आई और इस न्यूज के आधार पे क्या आने वाले समय में प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बड़े बड़े यूट्यूबर के द्वारा जो सत्यता की जांच की गई, तह तक जाकर के पता किया गया, उनका मत क्या है, तो सर्वप्रथम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं खुद ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती देखने को मिले, क्योंकि आप लोगों का जो 6 वर्षों का इंतजार है यह बहुत लंबा हो गया और कोई नहीं जानता था कि इतना लंबा इंतजार चलेगा। हर साल लग रहा था कि अब भर्ती आ रही है, तब भर्ती आ रही है, लोकसभा चुनाव से पूर्व भर्ती आएगी, लोकसभा चुनाव भी हो गया, तो अब जैसा देखा जाए तो बहुत लंबा इंतजार हो गया है। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। तो आपको बताना चाहता हूं कि जैसे इस 45,000 शिक्षक भर्ती की जो चर्चाएं आई, दैनिक भास्कर की न्यूज थी और उन्होंने अन्य विभागों का भी ब्यौरा दिया था कि कितने किन किन विभागों में कितनी सीटों पर भर्ती आएगी। ये दैनिक भास्कर की न्यूज थी। और न्यूज कैसे मिली कि 8 जुलाई को मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों के उच्च अधिकारियों की बैठक थी, जिनमें उनको एक डाटा प्रस्तुत करना था कि कितने पदों पे आने वाले समय में भर्ती होने जा रही है। तो उसी के संदर्भ में यह 45,000 का डाटा निकल करके सामने आया। अब मैं बात करता हूं कि जिन लोगों के द्वारा पता किया गया, उन लोगों का क्या मानना है। तो जैसे देखिए, पहले मैं बात करूंगा सचिन एकेडमी बहुत बड़ा चैनल है, आप लोग को पता ही है, और ये आप लोगों को यूपी टेट सीटेट आज के संदर्भ में सारी जानकारी वहां मिलती भी है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मुझे भी पता चला कि उनके द्वारा कुछ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं रहता है कि मैं किसी चैनल का देखूं, मैं वास्तव में किसी चैनल को देखता ही नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो किसी के द्वारा मुझे यह ज्ञात हुआ कि कुछ उनके द्वारा बोला गया, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं, और मैं भी अपने लोगों को कुछ बताता हूं, साथ ही साथ अन्य लोगों का भी मैंने सुना। जब आवश्यकता होती है तो आदमी सर्च करके सुनता भी है। तो उनके द्वारा जो पता किया गया न्यूज़पेपर के पास, उन्होंने फोन किया, अब किससे बात हुई यह मुझे जानकारी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे न्यूज़पेपर में आया है, उन्होंने पूरा गर्व से कहा और दावा के साथ कहा कि अगर मेरे न्यूज़पेपर में आया है तो इसका मतलब है कि यह सत्य ही होगा। अर्थात कहीं से वह यह मानने को तैयार नहीं है कि यह ऐसे ही खबर छप के आ गई। अर्थात जब उनके पास कॉल गया, और कॉल बहुत से लोगों को गया होगा, ऐसा नहीं कि एक दो लोगों का, अभी मैं एक दो लोग बता रहा हूं, तो अगर कहीं से गलती होती है तो आदमी क्या करता, कबूल कर लेता है कि हो सकता है कि कहीं से त्रुटि पूर्वक चला गया हो, लेकिन नहीं, उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि अगर खबर छपी है तो इसमें सत्यता ही होगी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो शिक्षक भर्ती करेगी एजेंसी, अर्थात एजेंसी कहिए या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहिए, उसमें अभी अस्थाई अध्यक्ष नहीं मिले हैं। अस्थाई अध्यक्ष मिलेंगे तभी यह भर्ती संपादित होगी। तो अभी समय भी उसमें दिया गया था कि लास्ट, मतलब जो समय है इस ईयर का लास्ट तक संभावना व्यक्त की गई थी। तो देखा जाए तो अभी समय है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष मिलने के उपरांत। जो पेंडिंग भर्तियां हैं, पहले उनका एग्जाम होगा, ऐसा सचिन सर के द्वारा भी यह चीजें बताई गई, और सभी लोग जानते भी हैं कि पहले अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे सक्रिय होगा तो पहले उसका काम यह होगा कि जो 2022 वाला जो विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका एग्जाम कराना, उसके बाद आगे की प्रक्रिया यूपीटीटी कराते हुए शिक्षक भर्ती को ले आना। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि रजत सिंह के द्वारा भी एक वीडियो जारी किया गया था, और चूंकि वो डीएलएड के अगुवाकार हैं
और शिक्षक भर्ती के लिए उनका बहुत लंबा आंदोलन भी रहा, आपको पता भी है। तो उनके द्वारा भी जो न्यूज रिपोर्टर है उनसे बात किया गया, तो वो भी कहे कि इसमें पूरी सत्यता है और 8 तारीख को यह डाटा प्रस्तुत किया गया है। अब जैसे देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद एक सख्त रवैया अपनाते हुए समस्त विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं उनके उनकी मीटिंग वो लेते हैं और मीटिंग में वह कहते हैं कि पहले तो यह पता करें कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं, इसका डाटा प्रस्तुत करें, साथ ही साथ कितनी भर्तियां वो करने जा रहे हैं। दो चीज उन्होंने मांगा कि कितने पद रिक्त हैं और कितनी भर्तियां वो करने जा रहे हैं, इसको उनके समस्त प्रस्तुत करना है। क्योंकि जो बेरोजगारी का जो मुद्दा था, यह आप लोगों ने देखा होगा कि अब के चुनाव में बहुत ज्यादा व्याप्त था। विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी के मुद्दे को इतना ज्यादा हाईलाइट की भी और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है, युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए रोजगार चाहिए। और युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो जब युवाओं का भविष्य अधर में आ जाएगा, तो आपको पता है कि युवा ही देश की शक्ति होते हैं, जब उनका भविष्य अधर में रहेगा तो देश का क्या होगा। तो यह जरूरी भी था यह मुद्दा उठना। तो वही मीटिंग 8 जुलाई को थी, लेकिन अब यही है कि यह खबर केवल दैनिक भास्कर के द्वारा ही छापा गया, अन्य पत्रकार भी वहां रहे होंगे, दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि, लेकिन कैसे इनको यह सूचना मिली, अन्य को नहीं मिली, यह सोचने वाली बात है। बाकी भर्तियों में वर्तमान में भले ही माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यह कहा जाता है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, लेकिन जब विधानसभा में डाटा मांगा जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा डाटा में जब यह मांगा गया था कि प्राइमरी में कितने पद रिक्त हैं, जूनियर में कितने पद रिक्त हैं, तो उसमें उनके द्वारा डाटा प्रस्तुत किया गया था कि प्राइमरी में लगभग 80,000 करीब, उन्होंने 80 या 88 जो भी था, लगभग इसी के समकक्ष, एक्यूरेट नहीं याद आ रहा है, लेकिन लगभग 80,000 से कम नहीं था पद प्राइमरी में उन्होंने रिक्त बताया था, और जूनियर में भी उन्होंने रिक्त बताया था। लेकिन जैसे रिक्त बताया, फिर उसी के साथ उन्होंने एक चीज जोड़ लिया कि हमारे बेसिक के स्कूलों में 1 से 5 तक के प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षाविद भी पढ़ाते हैं जो संविदा पे नौकरी कर रहे हैं, और जूनियर में 6 से 8 के लिए अंशकालिक अनुदेशक पढ़ाते हैं, वो भी संविदा आधारित पद है। तो उनके द्वारा कहा गया कि इनकी जो संख्या है, अगर इनकी संख्या को सम्मिलित किया जाता है तो शिक्षक छात्र अनुपात बराबर, ये उनके द्वारा रिक्त पदों को दिखाते हुए और उनको सम्मिलित करते हुए। तो जैसा कि आपको पता है कि धीरे धीरे प्रत्येक साल अगर भर्ती नहीं हो रही है तो प्रत्येक साल शिक्षक भी रिटायर हो रहे हैं, शिक्षा मित्र के लिए भी 60 साल का फिक्स कर दिए हैं, तो वो भी धीरे धीरे रिटायर हो जा रहे हैं। भाई जिनका उम्र उस दायरे में आएगा, तो धीरे धीरे अनुदेशक भी धीरे धीरे, या कुछ लोग ऐसी भी स्थिति है अनुदेशक में आज में कि भाई पैसा तो इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, एकदम न के बराबर, आपको पता ही है। तो जिनको अगर कहीं से कोई रोजगार मिल जा रहा है या कहीं कुछ अन्य प्लेटफॉर्म अगर, तो वो लोग उसको त्याग भी दे रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं। तो इस दृश्य से अगर देखा जाए, और एक बार 51,112 पदों का हलफनामा गवर्नमेंट ने दिया भी था सुप्रीम कोर्ट में, अब पिछले विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा आनंद फानन में जब धरना प्रदर्शन हो रहा था, 17,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक माननीय, उस समय के जो माननीय शिक्षा मंत्री थे श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उनके द्वारा 17,000 भर्ती भी जारी करने के लिए आदेशित कर दिया गया था, लेकिन ऐसा समय में आदेश किए कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, और यदि वह चुनाव जीतते तो 17,000 भर्ती तो निश्चित आ गई होती, कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन चूंकि उनका निर्णय पहले तो
छात्र हित में दिख ही नहीं रहा था, छात्र हित में वह टरका रहे थे, इससे युवा रुष्ट थे और उनको चुनाव में हारना पड़ा। अब अंतिम समय अगर कहे भी तो विज्ञापन भी नहीं आ पाया, आचार संहिता लागू हो गया तो और भी लोग रुष्ट हो गए कि अगर यही देना था तो पहले दे दिए होते, तो कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो ऐसा नहीं कि अगर भर्ती करे तो इनके पास पद नहीं मिलेंगे, कुछ न कुछ चीजें सतता एक प्रकार देखा जाए तो क्या है उस सब महसूस ही कर रहे हैं। तो इस हिसाब से भर्ती तो आने की उम्मीद रहेगी ही, लेकिन कुछ समय लग सकता है। जितनी तीव्रता समाचार पत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया इतनी तीव्रता तो नहीं, लेकिन यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भर्ती आने वाले समय में अवश्य देखने को मिलेगी। और 50,000 के लगभग भर्ती की जो संभावनाएं चल रही हैं इससे कम भी नहीं रहेगा, लेकिन अब सटीक जो चीजें हैं, एक चीज तो स्पष्ट हुआ है कि जितने भी न्यूज चैनल हैं और शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक आशावादी ही विचारधारा सब लोग रख रहे हैं, निराशावादी विचारधारा कोई नहीं रख रहा है। हाँ, ये मान सकते हैं कि सब ये जान रहे हैं कि अभी 2-3 महीने 4 महीने में अभी इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि शिक्षा सेवा चालायक को सक्रिय होने के उपरांत पहले पुरानी पेंडिंग भर्तियों का एग्जाम होगा, UPTT का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि UPTT बड़ा संकेत है, UPTT का नोटिफिकेशन आगामी शिक्षक भर्ती के लिए एक प्रकार समझिए कि पहली सीढ़ी का काम करेगा, पहला एक समझिए स्टेप काम करेगा, अर्थात एक पग हम समझिए आगे जाएंगे भर्ती की ओर, यह संकेत हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके एक आशावादी विचारधारा को लेकर के हम लोग चलेंगे, और यह पहले चेष्टा करेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग सक्रिय हो, UPTT पे फोकस हो, पहले फोकस होना चाहिए UPTT का, जो लोग पास नहीं है UPTT को पास करें, और शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दें। अच्छा, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि क्या यह भर्ती की तैयारी करें वह भर्ती की तैयारी करें, तो देखिए जो भी चीजें आपके सामने दिख रही हैं आप लोग कुछ ऐसा इस हिसाब से तैयारी करें कि लगभग किसी को आप छोड़िए ना। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, अखंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आ गई तो आप नहीं भरेंगे, आप उसका फॉर्म भरेंगे। PGT की भर्ती आ गई, अगर आप BEd किए हुए हैं तो आप, अगर जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप नहीं भरेंगे, आपको भरना ही है। बस यह है कि अभी जो आप सामान्य तैयारी कर रहे हो करिए, किसी एक का फोकस लेकर चलिए, लेकिन जैसे अगर विज्ञापन दूसरे का देखने को मिले तो आपको क्या करना चाहिए कि जिसका विज्ञापन आपको देखने को मिले तो आप डाइवर्ट होकर के उधर तैयारी अपना मोड़ दीजिए, क्योंकि कब कौन सी भर्तियां आ जाए कोई जानता नहीं, अब कितना समय लग जाए ये भी नहीं कोई जानता है। तो किसी एक को निश्चित पहले से कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि हम निश्चित करें और दूसरी भर्ती देखने को मिले, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको हर स्तर से तैयार रहने की जरूरत है। कुछ भाई बहनों का प्रश्न होता है कि सर जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो जूनियर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक कोर्ट केस भी चल रहा था, आपको पता है, उसमें यही था कि जिस तरह से अन्य विभागों में 50% प्रमोशन के द्वारा भरा जाता है, 50% सीधी भर्ती होती है, तो वह इस पे रन कर रहा था, लेकिन अभी पूर्व सुनवाई के बाद इधर कहीं से कुछ उसका डेट का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब उसके जो पैरवी करता होंगे अब वही बता सकते हैं, अगर आपको जानकारी हो तो बताइए कि कब डेट लगी है अगली डेट, क्योंकि तो याद नहीं रहता है, इतना ज्यादा कोर्ट केस इतना तामझाम मौके पे याद नहीं रहता है, वो भी जब 2-3 महीने की जब डेट लग जाती है तो वो एकदम भूल जाता है कि कब है कब नहीं है, क्योंकि उसको डायरी में कोई लिखता नहीं है, तो वही सब चीजें हैं। तो यदि वहां से कुछ होता है तो भर्ती भी देखने को मिल सकती है, जूनियर की भर्ती। अब आप खुद भी समझ सकते हैं, वैसे ऐसा लग भी रहा है कि अगर DLED वालों के लिए प्राइमरी भर्ती आएगी तो क्या
बीएड धारी के लिए कुछ नहीं आएगा, तो उनके लिए भी तो कम से कम जूनियर की भर्ती और टीजीटी की भर्ती गवर्नमेंट को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक को खुश एक को नाराज करेंगी तभी नुकसान हो जाएगा। अब भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उनको तो प्राइमरी में बीएड को अगर नहीं सम्मिलित कर सकते हैं तो उनके लिए अवसर उपलब्ध कराएं। 6 से 8 की जो जूनियर शिक्षक भर्ती है और टीजीटी का जो है उसमें अधिक से अधिक पदों पर भर्ती लेकर आए, जिससे कि इनको भी उसका लाभ देखने को मिले। कुछ लोग ये पूछते हैं जूनियर जो बीएड बीटीसी और डीएलएड किए रहते हैं क्या जूनियर में भर सकते हैं फार्म, तो जूनियर में 6 से 8 के लिए बीटीसी या डीएलएड भी मान्य होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल बीएड के ही लोग अप्लाई करेंगे, हाँ बस यही कि बीएड के साथ डीएलएड भी 6 से 8 में सम्मिलित हो सकते हैं, प्राइमरी में केवल डीएलएड सम्मिलित होंगे। अब यही कुछ लोग एनआईए और डीएलएड वाले भी कमेंट करते हैं कि सर मेरे बारे में बताइए, मेरे बारे में क्या होगा। तो उनके बारे में भी देखिए कोर्ट केस चल रहा था, तमाम चीजें आप लोगों ने देखा होगा, यूपी टेट में उनको भी मौका दिया गया कोर्ट के आदेश से। तो यही है कि उनको कुछ लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, इजली उनके हाथ में कुछ तत्काल में आने की संभावना नहीं है। बस यही है कि अगर विज्ञापन आता है नहीं सम्मिलित करते हैं तो कोर्ट केस के माध्यम से ये लोग सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे ही, करना भी चाहिए। लेकिन अभी तत्काल में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि स्पष्ट तौर पे यह नहीं कहा जा सकता है कि आप सम्मिलित ही हो जाएंगे, आपको सम्मिलित होने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि यह संक्षिप्त वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे कि अन्य लोग क्या सोच रहे हैं। अब एकदम निष्कर्ष रूप में अगर मैं बताऊं तो एक आशावादी सोच के साथ सभी लोग चल रहे हैं और चलना भी चाहिए। इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।